सबसे पहले हमें चाहिए दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। ध्यान रखिएगा कि कोई भी मीठा अगर आपको बनाना हो तो उसके लिए फुल फैट मिल्क ही ले, तो उससे मीठा बहुत ज़्यादा अच्छी बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। अब इसको हमें गर्म करना है, तो गैस का फ्लेम हाई रख के पहले दूध को गर्म कर लेंगे। जब दूध में हल्का हल्का उबाल आ जाएंगे तब तक दूध को कड़छी से चलाते रहेंगे ताकि दूध तलवे पे ना लगे। जैसे कि आप देख सकते हो दूध में उबाल आ चुके हैं, तो गैस का फ्लेम इस स्टेज में मीडियम लो कर देंगे, एकदम लो नहीं मीडियम लो करके इसको रखेंगे। फिर उसमें ऐड कर देंगे चावल। यहाँ पर मैंने चावल को पहले से ही धो करके रखा है और ये छोटे दाने वाले खुशबूदार चावल है और ये 60 ग्राम लिया है मैंने। 1 लीटर दूध के लिए 60 ग्राम चावल ही एकदम सही रेशियो रहते हैं। आप 55 से 60 ग्राम नाप के लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दूध और चावल की रेशियो में। तो चावल डालने के बाद इसे वापस से चलाना होता है, नहीं तो चावल तलवे पे लग सकते हैं। तो बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे और चावल पूरी तरह से पक जाए और दूध रिड्यूस होके आधा पोर्शन तक हो जाए तब तक इंतज़ार करेंगे। और बीच में एक चुटकी भर नमक इसमें ऐड कर देंगे। कोई भी मीठा आप बना रहे हो, एक चुटकी भर नमक डालने से उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दूध आधा से ज़्यादा रिड्यूस हो चुके हैं, चावल पूरी तरह से पक गए हैं और ये खीर जो है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुके हैं। तो इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें इसको नहीं करना है, मतलब दूध चावल से अलग नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो फिर गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और ऑफ़ करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे गुड़, यानी कि डेट पाम जैगरी, जो सर्दी के मौसम में गुड़ आते हैं उसी का मैंने लिया है। और ये 200 ग्राम गुड़ मैंने इसमें लिया है। 1 लीटर चावल, 1 लीटर दूध से बने खीर में कम से कम 150 से 200 ग्राम गुड़ जाना चाहिए। तो गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गुड़ डालने से पहले गैस का फ्लेम ज़रूर ऑफ कर दें, क्योंकि जब गुड़ इसमें जाएंगे तो ये मेल्ट होंगे और ये थोड़ा सा और लिक्विड हो जाएंगे। और फिर उसके बाद इसे ठंडा करने के बाद हमको सर्व करना है और तब आप नोटिस करेंगे कि खीर का जो रेशियो है वो एकदम परफेक्ट बन गया है, मतलब दूध चावल दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, एकदम चिपका चिपका होना चाहिए। तो पहले इसको मेल्ट कर लेंगे और फिर इस खीर को खुले में रख के पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो इस तरह से गुड़ डालने से क्या होता है, दूध फटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। कभी कभी लोगों को प्रॉब्लम रहते हैं कि गुड़ डालने के बाद दूध फट जाते हैं, तो इस तरह से आप इस खीर को बनाकर देखिए, गुड़ डालने के बाद भी दूध फटेंगे नहीं और अलग से चीनी डालने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए अच्छे से मिल गए हैं। अब इसको मैं ऐसे ही खुला छोड़ के रखूँगी और पूरी तरह से ठंडा कर लूँगी और ये देखिए हमारा खीर कितनी अच्छी तरीके से बन के तैयार हो गए हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, और रेसिपी अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दें और कोई भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं।